अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। वेलकम बैक विद अनदर व्लॉग। और आज के इस व्लॉग में, चूँकि ईद का जो है वो तीसरा दिन है, तो आज दोस्तों के साथ जा रहे हैं बाग, जहाँ पे एक साइड पे तो जामुन और मैंगो के बाग हैं और दूसरी साइड पे जो है वो ट्यूबवेल है, जहाँ पे हम अपनी गर्मी निकाल सकते हैं। सॉरी, मतलब ठंडे ठंडे पानी से जो है वो नहाएंगे। बस दो मिनट में जो है वो पहुंचने वाले हैं हम, और आपको दिखाते हैं यहाँ का व्यू। ये पहुंच गए हैं, आप देख सकते हैं कुछ हमाद पहुंच गया है। तो आज का इंट्रो जो है वो इससे करवाते हैं। हेलो जी, वी आर बैक विद अनदर व्लॉग। पहुंच गया तो सुन जी, तेरी पड़ी सी और तो तेरी यार से बोलो। के प्लान है बात बॉय, क्या प्लान है? क्या प्लान है? गर्मी इतनी ज़्यादा है कि आते साथ सब जो है वो ट्यूबवेल में घुस गए हैं कि थोड़ा ठंडे हो जाएं, और फिर अपना बारबेक्यू और शिनवारी कढ़ाई जो है वो स्टार्ट करते हैं। ये लोग तो नहाते रहेंगे और हम अपना स्टार्ट करते हैं अभी कुकिंग का काम। प्रिपरेशन काफ़ी सारी है जो करनी है, तो अभी हम गोश्त धोते हैं और उसको जो है वो मसाला लगाते हैं। मसाला लगा के इसको जो है वो मिनिमम एक घंटा जो मैरिनेट करना पड़ेगा, और मैरिनेट हो जाएगा तो उसके बाद जो है हम बारबेक्यू स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले इसमें हम सिरका ऐड करेंगे थोड़ा सा, और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि सिरका जो है वो सारे को मसाला लगा के इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। अब इसमें जो है हम टिक्का मसाला डालने लगे हैं मिनिमम एक घंटे, क्योंकि ये 3 से 4 किलो गोश्त है, तो हम इसमें जो है एक टिक्का मसाला वो काफ़ी होगा। इसमें बारबेक्यू मसाला मैरिनेट होता रहेगा, और साइड पे जो दोस्त हैं वो अपना कोयला रेडी कर रहे हैं बारबेक्यू के लिए, तो उसमें भी काफ़ी टाइम लगेगा। और यहाँ पे जो है वो शिनवारी कढ़ाई के लिए गोश्त रेडी हो रहा है, अभी धोया जा रहा है, और उसके बाद जो है इसको भी जो है वो मैरिनेट या बॉयल होने के लिए रख देंगे। जब तक बारबेक्यू मसाला मैरिनेट होगा और गोश्त बॉयल होगा शिनवारी वाला, तो तब तक मेरा दिल है कि मैं अपने कज़नों को जो है वो ले जाऊं थोड़ा बाग की सैर। स्टार्ट होते ही हमें कुछ माल्टे के जो है वो दरख्त मिले हैं, और इस पर देखें आपके कितने ज़्यादा जो है वो माल्टे लगे हुए हैं, क्योंकि अभी तक सीज़न नहीं आया माल्टे का, तो माल्टे का जो साइज़ है वो छोटा छोटा है। दिल कर रहा है कि आम के दरख्त पे चढ़ के थोड़ी सी अम्बलियाँ तोड़ लें और उसका अचार डालें, लेकिन ऊपर नहीं चढ़ सके हम जी, नाकाम हो गए हैं। अभी जो है वो कज़न जा रहा है कि देखते हैं, ऊपर एक छत्ता नज़र आया है हमें शहद का, और ऊपर मक्खियाँ नहीं हैं, तो देखते हैं कि कज़न उतारने में कामयाब होता है या नहीं। कज़न को सपोर्ट दे के दरख्त पे तो चढ़ा दिया है, तो अभी आपको दिखाते हैं कि हम जो है वो शहद खाएंगे, शहद खालिस शहद।
ਉੱਤੇ ਮਾਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਰਿਆ ਨਾ ਬਿਓ ਕੀੜੀ ਬੋਕ ਜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਚਲ ਹੁਣ ਸ਼ਰੂ ਹੱਥ ਭਰ ਮਾਖੀ ਯਾਰ ਖਾਵਣੇ ਹੁਣ ਸ਼ਰੂ ਆਪਣੇ ਏਡੀ ਆਲੀ ਖਲਾ ਬਾਗੀ ਮਰੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵਾਏ ਤੂੰ 5-5 ਫੁੱਟ ਵਾਲੇ ਖੰਭਾਂ ਤੇ ਚੜਾ ਇਹਦੇ ਕੀ ਜੇ कज़र साहब भी जो है ना वो भी नाकाम हो गए ऊपर चढ़ने में। ये देखें सामने जो है ये छत्ता लगा हुआ है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, लेकिन यहाँ पे मक्खियाँ नहीं है माँ शहद वाली। ये भी ऊपर तो चढ़ रहा है लेकिन पता नहीं है कि इसके अंदर शहद है भी सही या नहीं है, तो अभी इसको उतारते हैं नीचे और फिर आपको दिखाते हैं कि इसमें शहद है या नहीं। छत्ता उतार लिए हमने लेकिन ये देखिए आपको मैं पिक दिखा रहा हूँ, ये खाली था बिल्कुल। तो शहद उतारने के बाद अभी टाइम हो गया थोड़ा सा वीडियो शूट और फोटो शूट का, तो वो करते हैं और उसके बाद हम वापस चलेंगे अपना बारबेक्यू और कढ़ाई बनाने के लिए। तो अभी दिल कर रहा था कि मैं थोड़ी सी जो है वो बाग आया हुआ हूँ तो रनिंग कर लूँ, तो अभी रनिंग करके जो है वापस अपनी जगह पर बारबेक्यू वाली जगह पर पहुंच गया हूँ। यहाँ पे इन्होंने कढ़ाई ऑलरेडी जो है वो बॉईल करने रख दी हुई है और ये देखिए आप यहाँ का सनसेट, यहाँ का व्यू बहुत ही माशाल्लाह। जैसे ही वापस आया हूँ तो दोस्तों ने जो है वो ऑलरेडी बारबेक्यू लगा दिया हुआ है। हाँ बारबेक्यू और कढ़ाई बनाते काफ़ी टाइम हो गया था और फिर हमने खाना भी काफ़ी लेट खाया है, तो अभी काफ़ी रात हो गई है, तो ये खा के और फिर हम निकलते हैं वापस घर की तरफ। अभी ऑलरेडी जो है वो रात हो चुकी है, आप देखिए अंधेरा हो गया और हम वापस जा रहे हैं घर की तरफ अपना सब कुछ ख़त्म करके। ऑलरेडी जो है वो हम घर के पास पहुंच चुके हैं और यहाँ से मैंने एक कज़न के घर जाना है, वहाँ से अपने फैमिली को उठाना है और फिर जो है निकलेंगे हम घर की तरफ। फैमिली को पिक कर लिया है और अभी हम वापस जा रहे थे तो रास्ते में देखा एक बहुत ही पॉपुलर शामी बर्गर वाला है, तो सोचा कि यहाँ से जो है वो कुछ बर्गर पैक करवा लेते हैं। तो हमारा बर्गर रेडी हो चुका है, देखें माशाल्लाह कितना यम्मी लग रहा है ये, तो इसको लेके चलते हैं गाड़ी में फैमिली के साथ खाते हैं और फिर निकलते हैं घर की तरफ। बर्गर खा लिए और अभी हम निकल पड़े हैं घर की तरफ। तो यहाँ से जो घर का फासला है वो तकरीबन 5 मिनट है, 5 मिनट में हम घर पहुँच जाएंगे। तो इसी के साथ ही आज की इस वीडियो का भी एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जिसने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें मेरी वीडियोस को, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस और व्लॉग्स जो है वो बना सकूं।